अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑड न्यूमेरिकल का सॉल्व कर रहे हैं जो कि थ्री फ्रेज ब्रिज के ऊपर है। तो आज के जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज है जो कि रेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये रेटिंग्स क्या होती हैं इसको देखते हैं। पहले अगर आप सवाल पढ़ें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि थ्री फेज ब्रिज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर इज कनेक्टेड टू एन आर लोड, ठीक है ना, रेजिस्टिव लोड है ऑफ 10 ओम्स का, ठीक है ना। डीसी वोल्टेज आपको दिए हुए 400। लास्ट टाइम की तरह सवाल है कि आपको डीसी वोल्टेज गिवन थे वहाँ पे 200 वोल्ट डीसी दिए हुए थे, यहाँ पे आपको 400 वोल्ट डीसी दे रहा है। अब आपको कह रहा है कि डिटरमाइन करना है रेटिंग ऑफ डायोड। अब रेटिंग ऑफ डायोड क्या होती है, थ्री फेज की ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, एंड पावर फैक्टर तो चले समझ में आ रहा है, और हिंट दे दिए कि आपको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है और इसको आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे बात करूँ रेटिंग्स की, तो जो रेटिंग आपके पास होती हैं, जो रेटिंग आपके पास होंगी वो एग्जैक्टली आपके पास, अगर आप एक डायोड परचेज करते हैं, ठीक है ना, अगर एज एन इंजीनियर, तो आप उसकी डेटा शीट देखेंगे। तो डेटा शीट देखने के बाद आप वहाँ पर देखेंगे कि उस डायोड का क्या चीज़ पीक इन्वर्स वोल्टेज कितना है, कि वो अगर मैं उसको एसी सप्लाई पे इस्तेमाल कर रहा हूँ जहाँ जिसका वोल्टेज लेट सपोज के 1000 वोल्ट है पीक टू पीक, ठीक है ना, मतलब ये कि 1000 ऊपर होगा तो 1000 नीचे आपके पास पीक टू पीक आ रहा होगा, 1000 वोल्ट आपके पास नीचे आ रहा होगा। तो आपके पास रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है, जो कि हमने ईडीसी के अंदर भी देखा था, और यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि आपके पास नेगेटिव वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर 1000 वोल्टेज आ रहा है कि आपके डायोड के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आपका डायोड उस -1000 वोल्टेज को बेयर कर सके। अगर वो बेयर कर लेगा, अगर उसकी पीआईवी रेटिंग अगर अच्छी होगी, उसकी पीक इन्वर्स वोल्टेज अगर ज़्यादा होगी, लेट सपोज 2000 वोल्ट होगी, ठीक है ना, ये पावर डायोड्स की जो आपके पास पीक इन्वर्स वोल्टेज वैल्यूज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं, जो 10-20 रुपए के होते हैं, उनके जो पी आई वी वैल्यूज हैं वो काफ़ी कम होती हैं, ठीक है। तो अगर पीक इन्वर्स वोल्टेज ज़्यादा है और आपका वोल्टेज इतना कर हो रहा है, तो आपका डायोड सेफ एंड साउंड रहेगा, ठीक है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक रहेगा, ख़राब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अंदर जब रेटिंग ऑफ डायोड बोला है तो आपको क्या निकालना है, सिंपल आपको निकालना है पीआईवी। थ्री फेज आपको निकालने के लिए बोल दिया ट्रांसफार्मर की, तो आपको निकालनी है एस। क्या होती है, पावर होती है, ठीक है ना, आपको निकालनी है पावर। कौन सी पावर, अपेरेंट पावर, रिएक्टिव, या हम कह सकते हो कि यहाँ पे आपको कौन सी पावर निकालनी है, रियल पावर या रिएक्टिव पावर। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा आपको निकालनी है अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर क्या होती है, आपके पास रियल पावर और रिएक्टिव पावर का सम होती है। तो आप यहाँ पर रेटिंग निकालेंगे केवीए के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि रेटिंग का मतलब ये होता है, एक तरीके से अगर मैं यूँ बताऊँ कि आपके पास अगर एक ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे लिखा होता है कि 230 या सिंपल 11 केवी की एक ओवरहेड लाइन है आपके पास 0.415 या 0.44 आपके पास वोल्टेज अपेयर हो रहे हैं, ये भी केवी के अंदर ही होगा, ठीक है ना। एक तो ये आपके पास रेटिंग होती है कि इसकी रेटिंग ये हो रही है कि ये एक इस तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, एक तो ये चीज़ पता चल गई। एक पावर होती है कि जो कि पावर इनपुट के अंदर और आउटपुट के अंदर सेम रहती हैं, रिमेन सेम रहती हैं, ठीक है ना। तो पावर रेटिंग बहुत अहमियत रखती है कि पावर अब बेसिकली आपको ये बताता है कि आप उस ट्रांसफार्मर से कितना करंट ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ का मतलब ये कि आप कितना करंट फ्लो करवा सकते हैं, उसके हाईएस्ट कह सकते हैं हाईएस्ट करंट क्या होगा जो कि सर्किट के अंदर फ्लो करेगा या किसी भी पैनल के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। यहाँ पे आपको वीडीसी आपके पास गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, तो वीडीसी से आपको निकालना है वीएम। ये फार्मूलाज हम कल डिस्कस कर चुके थे, लेकिन मैं आई थिंक बल्कि ये वाले फार्मूलाज हमने डिस्कस नहीं किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये करेंगे कि सारी के सारे जितने भी आपके पास थ्री फेज ब्रिज वगैरह है, हम उसके फार्मूलाज को डिस्कस कर लेंगे, ताकि वो भी एक पेज पे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं बात कर लूँ, VDC आपके पास बराबर होता है 1.654
हमने हाफ वेव के कल डिस्कस किए थे, 654 टाइम वी एम, ये आपके पास आने के सारे आउटपुट के हैं, ठीक है ना। 1.655 ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं तो याद हो जाएंगे इजीली, तो ये आपके पास होते हैं आउटपुट के लिए, ये आपके पास आ गया आउटपुट के लिए, ठीक है। और इनपुट के लिए तो सबको पता है कि वही रहेगा, साइनोसॉइड होती है, थ्री फेज है तो क्या हुआ, तो हम अगर वी ए को कंसीडर कर रहे हैं, पहले फेज को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके अभी वी एम अपॉन अंडर रूट टू आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और आपके पास अब पी आई वी रेटिंग निकालनी है, पी आई वी रेटिंग आप पहले, सबसे पहले तो आपने वी एम निकाल लिया बी डी सी से, तो वी एम तो आपने काफ़ी आसानी से निकाल लिया, ठीक है, इस फॉर्मूले में रख के अब डायोड रेटिंग निकाल लिया। डायोड रेटिंग अभी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, पी आई वी आपके पास बराबर होता है माइनस अंडर रूट थ्री टाइम वी एम के, वी एम आपने ऊपर निकाल लिया, इसको जब आप कैलकुलेटर में रख के डालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -418.85 वोल्ट, मतलब कि एक तरह से 400 वोल्ट आपका नेगेटिव वोल्टेज आपका अप्लाई हो रहा है, सही है। तो अब आपको निकालने का बोला है रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, अब रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आपके पास दो तरह से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइन टू लाइन और फेस टू लाइन, लाइन टू लाइन और फेस टू फेस, ठीक है। तो पावर है, तो पावर के अंदर भी दो चीज़ें मैं कैटेगराइज कर देता हूँ कि आपके पास एक पावर निकल सकती है, अगर आप लाइन को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लगा देंगे अंडर रूट थ्री टाइम वी एल आई एल, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर फेस को यूज़ कर रहे हैं तो वी पी इज इक्वल्स टू थ्री वी एल, वी एल कह रहा हूँ वी पी आई पी, ठीक है ना। अगर आप फेस यूज़ कर रहे हैं, वी पी आई पी का मतलब क्या है कि वी एम आई एम इन शॉर्ट, ठीक है ना। तो वी एम आई एम आप इसको कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखे फॉर्मूला कौन सा लिखा है, अब यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो एस का मतलब यहाँ पर मेरा असल में है फेज, ठीक है ना, फेज है मेरा यहाँ पे, तो वी एम आई एम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर थ्री आपके पास कॉन्स्टेंट है, आपको क्या निकालना है, वी एस निकालना है। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि वी एस आपके पास क्या होता है, कुछ भी होगा वी एम अपॉन अंडर रूट टू, तो वी एम अपॉन अंडर रूट टू आपके पास होता है 0.707, आप इसको रख के सॉल्व करके देखें, आपके पास ये बन जाएगा 1/√2 आपके पास होता है 0.707, ठीक है। यहाँ पे रखूँगा वी एम मैंने निकाला हुआ है, तो आपके पास 170.97 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको निकालना है आई एस, अब आई एस के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा 1.3517, ठीक है, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। इसको हम कल एक तरह सारे जो आपके पास रेक्टिफायर हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, ताकि वो सारी चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी, ठीक है। आपने इस तरीके से करंट निकाला, अब यहाँ पर किया क्या है, अब यहाँ पर असल में ये जो फार्मूला है वो है आई एस इज इक्वल्स टू 1.3517 टाइम आई एम। अब मैं कह सकता हूँ कि आई एम किसके बराबर होता है, वी एम अपॉन आर के, सब चीज़ें देखी हुई है मैंने यहाँ पे, वी एम ये आपके पास वी एम है और ये आपके पास क्या है आर है, ठीक है ना। इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32.7, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे रखना है, आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी के वी ए के अंदर 16.77 के वी ए, तो 1.5 किलो वाट का, 1.5 किलो वाट, 1.5 कह रहा हूँ, 15 किलो वाट वोल्टेज एम्पेयर का आपके पास सिस्टम लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि इसको पावर प्रोवाइड कर रहा है। पावर फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, पावर फैक्टर के लिए फार्मूला हिंट के अंदर गिविन था, और ये फार्मूला इस तरीके से आया है कि जो इसका जो नॉर्मल फार्मूला होता है सिंगल फेज के लिए, तो सिंगल फेज अभी छोड़ देता, खैर अभी हम होता सेम है वी एस आई एस, ठीक है ना। ये थ्री कहाँ से आता है, आपने देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ सप्लाईज कितनी है, सिंगल फेज है, हाफ वेव है, ट्रांसफार्मर एक ही है, तो आपके पास फार्मूला ये आएगा। सेंट्रल टेप इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंट्रल टेप इस्तेमाल कर रहे हैं, सप्लाई कितनी है, ये वी एस बाई टू, ये वी एस बाई टू, दो सप्लाई होती है तो वहाँ पर टू आ जाएगा, हाफ फुल वेव के अंदर सिंपल टू आ जाएगा। ब्रिज है, ब्रिज के अंदर आप एक ही सप्लाई होती है,
ठीक है ना, जो कि आगे डायोड में जा रही होती है इस तरीके से कुछ, फिर और डायोड लग जाएंगे। सही है, तो वहाँ पर भी एक सप्लाई होती है, थ्री फेज है, तो थ्री फेज हमें बता ही रहा है कि वहाँ पर तीन सप्लाई है, जब तीन सप्लाई है तो थ्री, इस वजह से आया कि ये थ्री फेज है, मीन्स के थ्री सप्लाई है, ठीक है ना, कि ये तीन सप्लाई है तो इसलिए यहाँ पे थ्री आया है। वी आर एम एस निकालना है, वी आर एम एस आपको पता है किस तरीके से निकलता है, तो वी आर एम एस आपके पास निकलता है 1.655। अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था साइड के अंदर, यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमने अभी फार्मूलाज डिस्कस किए हैं, कहाँ गए, वी आर एम एस के 1.655 और बी डी सी होता है 1.654, ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे वी आर एम एस। मैंने यहाँ से वी आर एम एस निकाल लिया इस तरीके से, अब आपको चाहिए आई आर एम एस, सिंपल इसको डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास आई आर एम एस आ जाएगा। किससे डिवाइड करवाएंगे, आर से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा आई आर एम एस, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो बात क्लियर है, और जब ये निकल के आ जाएगा तो आपने यहाँ पे क्या रखना है, 40 आपके पास, क्योंकि ये पी ए सी है, अब पी ए सी किसके बराबर होता है, आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है, और पी डी सी किसके बराबर होता है, वी डी सी इंटू आई डी सी। आई होप ये बात क्लियर है सबको, ठीक है ना, ए सी कंपोनेंट के लिए आर एम एस और डी सी कंपोनेंट के लिए डी सी। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला हुआ है, यहाँ पे मैंने वी आर एम एस निकाला, यहाँ पे मैंने आई आर एम एस निकाला, सॉरी ये आई आर एम एस है, ये आपके पास वी आर एम एस है, ठीक है, और थ्री आपके पास इस तरीके से आगे सप्लाई का, तीन सप्लाई है, और आपके पास वी एस कितना है, इनपुट वोल्टेज, अब ये 170 क्यों रखा और ये क्यों रखा है इसको देख लेते हैं। देखें, इनपुट वोल्टेज रखे जाते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी पावर फैक्टर आ जाए इस तरीके के वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे आपको इनपुट की वैल्यू रखनी होती है। अगर आप यहाँ पर आए स्टार्ट में ही आ जाए तो ये आपको दिया हुआ है डी सी वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है ना, एक मिनट, ये रहा, तो यहाँ पे जो वी एस है ये हमने निकाला हुआ है प्राइमरी साइड के लिए, ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर दूँ कि ये हमने जो निकाला हुआ है वो प्राइमरी साइड के लिए निकाला हुआ है। प्राइमरी साइड के लिए कैसे निकाला हुआ है, आपको मालूम होगा कि हमने वी एस कौन सा इस्तेमाल किया था, 0.707, और ये हमेशा इनपुट के साइड पे ही होता है, ठीक है ना, तो ये किस हमेशा कहाँ होता है, इनपुट के साइड पर ही होता है। तो आपने वी एस यहाँ से निकाला हुआ है, आई एस आपने यहाँ से निकाला हुआ है, ठीक है, तो ये आपने वैल्यूज पुट कर दी और अपना आंसर निकाल दिया, पावर फैक्टर आ जाएगा 0.9555। सही है, अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि थ्री फेज ब्रिज इलेक्ट्रीफायर है, ब्रिज इलेक्ट्रीफायर है और हाईली इंडक्टिव लोड है। हाईली इंडक्टिव का मतलब ये कि यहाँ पे सिंपल एल लोड है, ठीक है ना, इंडक्टिव लोड है, तो विद एन इनपुट वोल्टेज ऑफ सप्लाई, इनपुट सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ। आप देखें यहाँ पे लाइन पे फोकस करना है, क्या बोला हुआ है, इनपुट सप्लाई फेज वोल्टेज, फेज बोला हुआ, लाइन टू लाइन नहीं बोला हुआ, फेज वोल्टेज का मतलब लाइन टू न्यूट्रल आ गया आपके पास, इन अदर वर्ड्स, ठीक है ना, और 120 वोल्ट एंड द आउटपुट करंट ऑफ दिस। अब जो आउटपुट करंट है आपके पास, आपके पास आउटपुट करंट हमेशा आई ए के लाएगा वो, फिर और वो 60 रहेगा फॉर आउटपुट साइड, इनपुट साइड के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो चार्जिंग टाइम की वजह से अलग हो जाएगा। इसमें आपको डायोड की रेटिंग निकालनी है और TUF निकालना है। यहाँ पे आपको VL गिवन है 120, तो VL L इज इक्वल्स टू, हमने निकाला था अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ V लाइन N, ठीक है ना, ये मैं आपको लास्ट टाइम का बता रहा हूँ, ये आपके पास बराबर होता है अंडर रूट 2 टाइम इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे आप लिखेंगे VM और यहाँ पे आप रख देंगे अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये आपके पास जो 120 है वो आपको दिया हुआ है सप्लाई फेज वोल्टेज, आपको दिया हुआ है मीन्स के लाइन टू वोल्टेज आपको दे दिया गया है, लाइन टू वोल्टेज। VM निकालना है, बगैर सोचे आपको सबसे पहले VM निकालना है, इस फॉर्मूले से आपने VM निकालना है, ठीक है। आई थिंक ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया है,
मैं पहले सही लिख रहा था कि लाइन वोल्टेज इस तरीके से होगा अंडर रूट टू टाइम बी एम, ठीक है ना, क्योंकि ये आर एम एस कहलाती है। आर एम एस वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है पीक वोल्टेज से, या इस तरीके से याद रखें कि आर एम एस वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है पीक वैल्यू से। वी पीक से क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है, तो पीक वैल्यू हमेशा कम होती है आर एम एस से इन कंपेरिजन में। सही है, तो आपने इस तरीके से फार्मूला जनरेट कर लिया, और अपना आपने यहाँ पर निकालना है पी आई वी। वी एम आपको निकालना है अंडर टू इंटू 120, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 169.7। ठीक है, तो वी एम आपने निकाल लिया, पी आई वी तो वैसे ही निकलेगा जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम निकाला था, माइनस अंडर रूट 3 इंटू 169.7, तो पी आई वी आपके पास आ गया। मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया, तो आपने यहाँ पे लगा लेना है। सही है, तो इसको मेक श्योर कर लीजिएगा कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब टफ निकालना है, टफ के लिए आपको पी डी सी है और आपके पास वी एस आई एस है। अब सबको पता है कि पी डी सी किसके बराबर होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम ऊपर देख चुके हैं एग्जैक्टली। पी डी सी बराबर होता है वी डी सी इंटू आई आई डी सी। अब पी डी सी निकालना है, हाईली इंडक्टिव लोड है, ठीक है, और थ्री फेज ब्रिज है। हमने भी फॉर्मूला तो ऊपर डिस्कस किए थे 1.655, ठीक है ना। तो ये तो सप्लाई वोल्टेज लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपके पास सप्लाई वोल्टेज था जो कि आपको ऑलरेडी गिवन था उसके अंदर आर एम एस वैल्यू, और वी एस हमेशा आर एम एस वैल्यूज होती है, और आई एस भी हमारे पास आर एम एस वैल्यू होती है। ये फार्मूला आपको याद करना है, इनपुट के लिए आपको बेखसूस याद करना है 0.8164 इंटू आई ए। ये आपके पास इनपुट का करंट इस तरीके से आ जाएगा, तो आपने यहाँ से इनपुट का करंट निकालना है, ठीक है ना। अब आपको वी डी सी निकालना है, ये वही फार्मूलाज हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है ना, ये वही फार्मूलाज हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए थे। वी डी सी इज इक्वल टू 1.654, वी एम आपको पता है, आपने इस तरीके से वी डी सी निकाल लेना है जो कि आया है 280.68, ठीक है। तो इसको निकालने के बाद अब आपको निकालना है आई डी सी। अब आई डी सी आपके पास ये क्या कहा था यहाँ पे सवाल के अंदर, कि आपके पास आउटपुट करंट कितना है 60 है, तो आपके पास, क्योंकि हम ये जो निकालते हैं वो बी डी सी, ये आपके पास आउटपुट पे होता है, इनपुट पे तो बी डी सी जीरो होता है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आउटपुट पे आप ये निकाल रहे हैं, तो जब आप ये आउटपुट पे निकाल रहे हैं तो आपको मालूम है कि आपके पास आई डी सी जो है वो किसके बराबर होता है, वो आपके पास बराबर होता है आई ए के, जो कि आपको ऑलरेडी गिविन है। तो सब चीज़ें आपके पास गिवन, आपने पावर निकाल ली, पी डी सी टफ आ गया आपके पास 16.8 exponential 3, ठीक है, टफ कह रहा हूँ, पावर आ गई है, इसको हमने यहाँ रखा और डिवाइड बाय 3 इंटू 120 आपके पास आर एम एस वैल्यू गिवन थी, और 60 यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे आपको इनपुट वैल्यू रखनी है, ठीक है ना, तो इनपुट वैल्यू रखनी है, तो इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, और इनपुट वैल्यू आपके पास कितनी आई थी 30, करंट की वैल्यू 48.98, ठीक है ना, तो ये आपको करंट की वैल्यू इनपुट के ऊपर कौन सी रखनी है, ये वाली रखनी है, तो मैं इसको काट के ठीक कर रहा हूँ, 48.98, वो बाय मिस्टेक शायद मैंने 60 लिख दिया है वहाँ पे, तो उसको करेक्ट कर लें कि वहाँ पे आ जाएगा 3 × 120 × 48.98, ठीक है, क्योंकि 60 तो आपके पास आउटपुट का करंट है, हमें तो यहाँ पे इनपुट रिक्वायर्ड है, डिनोमिनेटर में इनपुट करंट मांगा जाता है, तो इनपुट करंट आपने पहले निकाल लिया था 0.8164 से, तो जब टफ कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.953। अब आप यहाँ पे बोलेंगे आपका टफ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कैसे, क्योंकि ऊपर भी थ्री फेज था और नीचे भी थ्री फेज, अच्छा ये पावर फैक्टर था, मैं तब समझा, खैर पावर फैक्टर और टफ यहाँ पर एग्जैक्टली ऑलमोस्टली सेम आ रहे होंगे 0.955 के करीब करीब, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके जो सवाल हैं यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर रिपल वोल्टेज के भी न्यूमेरिकल्स हम करें, और एक दो न्यूमेरिकल इसके और करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे बिल्ड हो जाएंगे, एंड देन लेकिन सेकेंड वीडियोस के अंदर हम पहले यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर वोल्टेजेस कब कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो वो हम वहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे, देन फिर हम आगे मूव करेंगे।